सावित्रीबाई फुले के क्या योगदान रहे हैं। दरअसल इसी बात को आगे लेकर के मैं बढ़ाना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर आरती, शिक्षा और महिलाओं को लेकर के जो पूरी बातचीत है कि हम देखते हैं कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। जो मनुस्मृति है उसमें लिखा गया है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है, वो पति के अधीन हो सकती है, वो पिता के अधीन हो सकती है, वो पुत्र के अधीन हो सकती है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। इस पूरी बहस को लेकर के हम जब देखते हैं महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पूरा मूवमेंट चलाया और किस तरह से वो महिला शिक्षक को लेकर के काम किया उन्होंने, उनको क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को याद करना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शिक्षा के जगत में महिलाओं को लेकर के पूरी बातचीत अभी बिल्कुल अधूरी सी लगती है। आज भी चीज़ों को लेकर के जब हम देखते हैं कि किस तरह से समाज में महिलाओं को एक कंट्रोल और अभी जिस तरह की हिंसाओं को सामना करना पड़ता है, इस पूरी बहस को अगर हम एक पूरे एरा के पीछे ले जाते हैं ब्रिटिश काल में, कि उसके इतिहास को समझने की ज़रूरत है कि स्त्री की शिक्षा का इतिहास क्या रहा है। सावित्रीबाई फुले जब उनके पति ने उनको शिक्षित कराया, फातिमा शेख ने उनको शिक्षा दी और वो फिर प्रथम महिला शिक्षिका बनती हैं और पुणे में उन्होंने 6 महिलाओं के स्कूल का उद्घाटन किया और महिलाओं को शिक्षा के लेकर के आगे एक काम किया जो कि एक अपने आप में पहले भारतीय थे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया था। महिला और शिक्षा को लेकर के जब वो काम कर रही थी, जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो वो 2 साड़ी लेकर के जा एक साड़ी पहन के जाती थी, एक साड़ी साथ में ले के जाती थी। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी, वहाँ पे जो ब्राह्मण होते थे, जो उच्च जाति के लोग होते थे, क्योंकि शिक्षा को महिलाओं से दूर रखना था, इसलिए बहुत सारी रूढ़िवादी चीज़ें डाल दी गई थी कि किस तरह से महिलाएं शिक्षा से दूर रहें, और उनके ऊपर गोबर डालते थे, ये कहते थे ये पतित महिला है, ये एक महिलाओं को बिगाड़ने का संगठन है, और इस तरह से तमाम तरह के एक रूमर फैलाए जाते थे ताकि उन पर ताकि उनकी शिक्षा के पूरे आंदोलन को रोका जा सके। उनके ऊपर कूड़ा डाला जाता था, उन पर कचरा डाला जाता था, उन पर गोबर डाला जाता था। जब वो अपने स्कूल पहुंचती थी तो वो नहाती थी पुनः, फिर वो नई साफ़ सुथरी साड़ी पहन करके फिर वो शिक्षा देती थी, एजुकेट करती थी महिलाओं को, और फिर वापस वो दूसरी साड़ी पहन करके फिर उसी रास्ते जाती थी। और वो जो लोग होते थे जो उनको शिक्षा से रोकना चाहते थे, वो अवेयरनेस फैलाने से रोकना चाहते थे, सामाजिक कुरीतियों को बढ़ाना चाहते थे, वो उन पर उसी तरह का अटैक करते थे। अब सोचिए, अब हम आ जाते हैं 2020 आने वाला है और हम देख रहे हैं कि महिलाओं पे सबसे ज़्यादा रेप केसेस हुए हैं। शिक्षा का निजीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है। शिक्षा के निजीकरण को जो हम पूरी तरह से देखते हैं कि वो क्या है, प्राइवेटाइजेशन जब कर दिया जाएगा, जहाँ मुफ्त शिक्षा दी जा रही थी, सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा था, बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, इस पूरी में कहीं ना कहीं महिला की शिक्षा की बात पूरी नीचे चली गई है। अगर जब महिलाओं को इतने ज़्यादा सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी, मुफ्त शिक्षा की बात हो रही थी, महिलाओं को शिक्षा में एक आरक्षण भी दिया जा रहा था, 33% आरक्षण चल रहा है, उसकी बात चल रही है कि उसका विधेयक आना चाहिए, लेकिन महिलाओं की प्रतिभागिता शिक्षा में दर प्रतिदर जैसे ही बढ़ रही थी, महिलाएं अपनी कोशिशों में शिक्षा में आगे आ रही थी और वो बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाओं ने अच्छा काम नहीं किया है। तो जब हम इसकी पूरी बातचीत को देखते हैं, सावित्रीबाई फुले के इस कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, ज्योतिबा फुले के इस पूरे कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के उस कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने किस तरह से चीज़ें की हैं। जब हम अम्बेडकर की बात करते हैं, उन्होंने हिंदू कोड बिल की पूरी बात की है। हिंदू कोड बिल में उन्होंने संपत्ति के अधिकार, तलाक के अधिकार, उन्होंने दत्तक एडेप्टेशन के अधिकार, उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम की बात की है कि इस तरह के जो राइट्स हैं, महिलाओं के पास कोई राइट ही नहीं। तो इन पूरे अधिकारों को जब हम बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार को लेकर के पूरे जो सामाजिक हमारे नायक रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, उन्होंने किस तरह से काम किया, उसमें सावित्रीबाई फुले जैसी महिला का एक आइकन हमें मिल जाना, वो एक बहुत महान बात थी उस समय। आज जब हम शिक्षा की बात करते हैं, हम सब महिलाएं अपने अपने घरों में शिक्षा के लिए लड़ रही होती हैं और हमें कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। शायद हमारे घर में अगर संपत्ति होती तो हमारी शादियों के लिए शायद वो संपत्ति का 5%, 10%, 20% हमारी शादियों पर खर्च किया जा सकता है, लेकिन आज हम कोई भी लड़की है जो लोअर मिडिल क्लास से आती है या हाई मिडिल क्लास से आती है, कहीं से भी आए, लेकिन शिक्षा का स्वतंत्र
अधिकार या शिक्षा का चयन, शिक्षा को शिक्षा के किस शिक्षा के क्षेत्र में जाना है इसका भी उसके पास एक अधिकार नहीं। हमें आज भी जो हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं, हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, अभी भी अगर 10 बजे के बाद अगर हम सड़कों पे होते हमारे साथ किस तरह की हिंसाएं हो सकती हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी एक समाज हम पे थोप देता है। इस पूरी बातचीत को समझने के लिए हमें सोचना होगा कि महिलाएं शिक्षा में आगे आएं, लेकिन अगर शिक्षा का इस तरह से निजीकरण कर दिया जाएगा, अगर हमें इस तरह की बंदिशें जो मनु संविधान लगाया गया है इसको अगर हम फॉलोअप करते हैं, किस तरह के गर्त में हम वापस जा रहे हैं। एक हमारे समाज सुधारक थे जो 1856 में 57 में 58 में वो नए तरह के स्कूल खोल रहे हैं, वो महिलाओं की शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जब हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो पूरी सी नकार दी गई है। आज शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जेएनयू में बच्चे धरने पे बैठे क्योंकि उनके हॉस्टल पे बिल्कुल अवैध तरह के नियम लगाए जा रहे हैं। जब समानता का अधिकार है तो जो पुरुष के लिए है वो महिलाओं के लिए भी है, लेकिन महिलाओं की जो हॉस्टल्स होते हैं आप देख लीजिए, पिंजरा तोड़ आंदोलन चल रहा है, डीयू में इसका बड़ा प्रोटेस्ट चलता रहता है, तमाम गर्ल्स हॉस्टल जो है कभी 7 बजे बंद होते हैं, कहीं 6 बजे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो लखनऊ में स्थित है वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल 7 बजे बंद हो जाता है। आप आइए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में, वहाँ हॉस्टल 10 बजे बंद हो जाता है। डीयू के खुद जितने भी कॉलेजेस हैं उनके हॉस्टल जो है 6, 7, 8 बजे, 10 बजे तक बंद हो जाते ही हैं। तो अब ये देखिए 24 घंटे खुली लाइब्रेरी का जो पूरा प्रोटेस्ट चला है, बीएचयू में चल रहा है, बीएचयू में भी जो है हॉस्टल 8 बजे गर्ल्स हॉस्टल बंद हो जाते हैं, और हमें इस पूरी तरह एक 10 से 8 के बीच का जो प्रोफेशनल टाइम दिया जाता है कि आपको उसमें अपने सारे बाहर के काम निपटा लेने, फुर्सत के टाइम वही 8 बजे के बाद होते हैं जब हम अपने फ्री आवर्स को निकालते हैं, अपने लीजर आवर को निकालते हैं, जाकर के हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। और एक शैक्षणिक संस्थान में अगर ये स्टेट हमें ये सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है कि हम लड़कियाँ जा करके अपने हॉस्टल अपनी यूनिवर्सिटी में लेट नाइट स्टडी कर सकें और हम भी IAS की प्रिपरेशन कर सकें, सोचिए हम शिक्षा से हमें कितना दूर किया जा रहा है। इस पूरी बात और बहस को समझते हुए हम ये देख सकते हैं कि आज अगर इतना ये मुश्किल है तो सावित्रीबाई फूले के समय में कितना मुश्किल हो सकता था। सावित्रीबाई फूले बहुत अच्छी लेखिका भी थी, वो कविताएँ लिखती थी, तो उनकी कविता वैसे वो मराठी में लिखती थी, लेकिन उनकी कविता थी जिसका मूलतः संदर्भ यह निकलता है कि पहले तो तुम पढ़ाई करो, फिर समय मिले तो खेल कूद, फिर समय मिले तो तुम घर के काम करो। तो इसका मतलब है कि महिलाओं को उन्होंने सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने की शिक्षा दी कि आप पहले अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि एक शिक्षा ही है जो आपको पूरी मानसिक गुलामी से आपको आज़ाद कराएगी, मनुवादी संस्था से और उससे लड़ने की ताकत देगी, आपको उस पूरे समाज की संरचना से लड़ने की ताकत देगी। दूसरी बात, आप उसको खेलो, आपको अगर किसी व्यक्ति के विकास की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो खेलना कितना ज़रूरी होता है। देखिए महिलाएं, आप अगर किसी भी हॉस्टल या किसी भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में महिलाओं जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा तादाद में मिलती हैं, अगर आप उनका ब्लड टेस्ट कराइए तो उनका न्यूट्रिशन इतना लो होता है कि 70% महिलाएं वहाँ पे आपको एनीमिक मिलेंगी, बिल्कुल लो न्यूट्रिशन की मिलेंगी। ये कारण होता है क्योंकि हम अच्छा खा अच्छा पहने, वहाँ पर इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर घर के काम करो, मतलब आपको समय मिले तब आप घर के काम करिए, आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप पढ़ाई करें। आज के समय में हमें ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं कि आपका पहला प्रायोरिटी बनता है कि आप एक परिवार को बना के चलें, लेकिन उस परिवार में क्या महिलाओं को वो इतनी जगह दी गई है? इस पूरे मुद्दे को हमें सोचना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि सावित्रीबाई फूले उनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है इस पूरी चीज़ को लेकर के, जो कि एक महानायिका थी। तो मैं अपनी बात इस पर ख़त्म करती हूँ और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ खुद को तो मैं कहती हूँ कि मैं डॉक्टर आरती, क्योंकि शिक्षा को सबको ये अवसर नहीं मिलता है। अगर मुझे इस चीज़ का अवसर मिला और मैं यहाँ तक पढ़ लिख के आई और मैं इसका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं सावित्रीबाई फूले को दूँगी, बाबा साहब अम्बेडकर को दूँगी। जय हिंद, नमो बुद्धाय। Thank you.